श्रीकृष्णार्जुन संकटामृत निधे धीरं गभीरं तलं तत्वान्वेषण तत्परैः अधिगतं कैः न सत्यवरे किन्तु प्रत्न विचार रत्न निचयान् आनीय दाने प्रभु पूर्णानंदमृतेन कश्चिद् सर्वात्मना संश्रय सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च पृथक्कृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा सर्वतोमुख। महात्मा लोग भगवान का भजन कैसे करते हैं, ये बात बताते हैं। सातवें अध्याय में भी ये बात छोटे रूप में एक चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुना। तो वहां जन शब्द का प्रयोग था और यहाँ महात्मा शब्द का प्रयोग। जिसका मन बड़ा हो उसको महात्मा कहते हैं। महान आत्मा मनो यस्य, जिसके मन में सारी दुनिया समझ, बड़ा से बड़ा जो महान से महान महत से महत ब्रह्म तत्व है, सदाकार वृत्ति जिसकी हो उसको कहेंगे महात्मा। उसमें अपना पराया नहीं होता, अपना देश दूसरे का देश, अपनी जात दूसरे की जात, अपना मजहब दूसरे का मजहब, ऐसा नहीं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्, जिनका चरित्र उदार है उनके लिए संपूर्ण धरती अपना परिवार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्, उनको कहते हैं महात्मा। महात्मा में दैवी संपत्ति होनी चाहिए, अवयम सत्य संपत्ति, सद्गुण 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 सद्गुण, और परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए कि सबका मूल कारण वही है, ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। और अनन्य मना होना चाहिए, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। ये तीन गुण महात्मा में होना चाहिए और आत्मा उदार होनी चाहिए। एक महात्मा के पास हम लोग बैठे थे तो वो आसन पर नहीं बैठते थे, धरती पर ही बैठते थे, कभी नंगे भी रहते थे कभी लंगोटी भी रहते थे। हमारे साथी ने जहाँ धरती पर बैठे थे दूध तोड़ दिया, जैसे बच्चे कालीन पर बैठते हैं ना तो उसके रेशे निकालने लगते हैं, वैसे उन्होंने कुछ दूध के पौधे तोड़ लिए। इस पर महात्मा जी ने कहा कि क्या करते हो, ये जो मिट्टी थी वो बीज के संजोग से घास बनी है, अब इसको पशु चरेगा तो दूध बनेगी, दूध मनुष्य पिएगा तो मनुष्य के वीर्य में जाएगी, वहाँ से दो तीन पीढ़ी में इसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पोषण इसको प्राप्त हो सकते हैं। और तुम ऐसे ही बेकाम घास को नोच लेते हो, ये फिर माटी की माटी हो जाएगी, इसकी उन्नति में इसकी उन्नति को तुम धूल में क्यों मिला रहे हो। उनको एक एक वस्तु किसमें क्या है किसमें क्या विशेष ये मालूम पड़ती थी, उसका विशेष ज्ञान था। हर चीज में एक विशेषता होती है और महात्मा लोग उसको देख लेते हैं।
मेढक नहीं रहेंगे तो कीड़े धान को खा जाएंगे, सांप नहीं रहेंगे तो चूहे खेती का अनाज ले जाके अपने बिल में रख लेंगे। सब वस्तुओं की आवश्यकता है और उनकी विशेषता है, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। हम पक्षपात के कारण किसी को अच्छा किसी को बुरा समझते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया गया है। फिर भगवान ने अपना सर्वात्मक रूप बताया, अहम कर्तुर अहम यज्ञा स्वधा हम अहम औषधम। वर्णन करते करते इकट्ठे ही 12 बात कह दी, जिसमें सब में अहम जुड़ता है। गतिर भरता प्रभु साक्षी अहम गति, अहम भरता अहम प्रभु अहम साक्षी अहम निवासः अहम शकणम अहम सुहृत अहम प्रभवः अहम प्रलयः अहम स्थानम अहम निदानम अहम अव्ययम बीजम। इसमें भी 12 बार अहम जुड़ेगा। सच पूछो तो वस्तुएं न हो और भगवान का अहम रहे, माने भगवान रहे, परमात्मा रहे, इससे बढ़िया और तो क्या बात हो सकती है। पहले भगवान बताते हैं कि संसार में जितनी भी गति है वो मैं ही हूँ। गति कहाँ रहती है? चरण में रहती है, पांव में। पांव से चलना होता है, तो भगवान पांव के अधिष्ठात्री देवता विष्णु बन करके सबके पांव में रहते हैं। जितना भी चलना फिरना होता है वो भगवान से होता है, भगवान में होता है, भगवान में जाता है। पृथ्वी से लेकर के और वैकुंठ पर्यंत जितनी भी गति है वो सब भगवत रूप ही है। गति ही गमनम गति ही गम्यत इति गति ही। भागवत में कई बार आया है, नान्या भवेद गति ररिंदम तद विधेहि। हे भगवान, तुम्हारे सिवाय तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए और कोई भी गति न हो। जहाँ जाऊँ वहाँ तुम, जहाँ जाऊँ वहाँ तुम, जहाँ जाऊँ वहाँ तुम। हमारे तन की गति, हमारे मन की गति, हमारे वचन की गति सब तुम में ही हो। चलूँ तो ऐसे ही लगे कि मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ, बोलूँ तो ऐसा लगे कि मैं तुमको बोल रहा हूँ, सोचूं तो ऐसा लगे कि मैं तुमको सोच रहा हूँ, बैठूं तो ऐसा लगे कि मैं तुम में बैठ रहा हूँ। गति ही तो गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष, चार अर्थ गति शब्द का होता है। कोश में ऐसे दिग्दर्शनी जो होती है, दिग्दर्शनी डिक्शनरी जिसको बोलते हैं। चलना भगवान में, जानना भगवान में, मुक्त होना भगवान में, प्राप्ति भगवान में। गति भर्ता अनन्य गति बोलते हैं, अनन्य गति। भक्त कैसा होता है? तो भगवान के सिवाय उसके लिए और कोई गति नहीं होती है। अकिंचनो अनन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है, न धन है, न जन है, न पुण्य है, कोई पूंजी नहीं है, तुम ही हमारी पूंजी हो। और किसी दूसरे का सहारा नहीं है, दो चीज से है। किसी दूसरे व्यक्ति का तो आश्रय न हो और अपने पास कुछ अपनी पूंजी न हो, माने न तो वस्तु हो और न तो व्यक्ति हो।
तब भगवान का चमत्कार स्पष्ट पद पद पर देखने में आता है। अपने पास रखो पैसा और चाहो कि भगवान हमको रोटी दे जाएं, तो भगवान को तकलीफ करने की क्या जरूरत है, आपकी गांठ में तो पैसा है और सहारा है आपके पास, किसी के सहारे से चल रहे हैं, तो भगवान आपके पास क्यों आने लगे। जब सूरदास को रास्ता बताने वाला कोई नहीं था तब आ गए, कहा आओ सूरदास हमारा हाथ पकड़ लो, हम तुम्हें रास्ता बता देते हैं। तो जब तक दूसरे का सहारा होता है और दूसरी वस्तु होती है अपने पास, तब तक भगवान की शरणागति पक्की नहीं होती। तो गति कौन है? तो भगवान। सद वस्तु में गति का विवर्त होता है और चिद वस्तु में मति का विवर्त होता है और आनंद वस्तु में रति का विवर्त होता है। गति, मति और रति, उसको बोलते हैं चिदा। तो असली सत्व में न गति है, असली सत्व में गति नहीं है और असली चित्त में मति नहीं है और असली आनंद में रति नहीं है, और जहाँ हमारा अंतःकरण है वहाँ सत्व में गति है, चित्त में मति है और आनंद में रति है। ये स्थिति ज्ञान में। अच्छा, अब भरण पोषण कौन करता है? हमारे मालिक हैं, जिनकी हम नौकरी करते हैं वो हमारा भरण पोषण करते हैं, या पत्नी है तो पति भरण पोषण करते हैं, बच्चे हैं तो माता पिता भरण पोषण करते हैं, माँ बाप बूढ़े हैं तो जवान बेटे भरण पोषण करते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अहम भर्ता दुभ्रिय धारण पोषण यो हो विभर्ति इति भर्ता। हमारा धारण पोषण, हमारा भरण पोषण भगवान ही करते हैं। हमने देखा है जब हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं होता तो भगवान देते, जब भोजन नहीं होता तो आकर भगवान भोजन कराते, जब हम स्वयं गठरी कांख के नीचे दबाए चलते हैं, अंटी में पैसा लगाए चलते हैं, चीला चाटी का सहारा लिए चलते हैं, तब ये पता ही नहीं चलता है कि ये भगवान के द्वारा भरण पोषण प्राप्त हुआ है। ये मालूम पड़ता है चेले ने ला के दिया है, बेटे ने कमाया है, बाप से उत्तराधिकार मिला है, ये बात माने भगवान की दी हुई ये चीज है, ये पता नहीं चलता है, इसी से भगवान ने इसको छिपा दिया, अपने आप को छिपा लिया, दूसरों को जाहिर कर दिया। तो भरण पोषण करने वाले भगवान है, आम भर्ता गतिर भर्ता प्रभु हु, प्रभु अंतर्यामी सबका नियामक मैं हूँ, मैं ही हूँ। प्रभवति इति प्रभु हु, प्रकर्षण भवति, जो हमसे श्रेष्ठ होकर हमारे अंदर रहता है उसका नाम प्रभु है। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानं जमयति यम आत्मा न वेद, वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी प्रभु सबके हृदय में सबके संचालक के रूप में रहता है। धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धि का हमारे जीवन का प्रेरक है उसको प्रभु कहते हैं। हम प्रभु अहं गति ही, अहम भर्ता, अहम प्रभु हूँ। फिर बोलते हैं ये उपासना के लिए भगवान के स्वरूप है, अहम साक्षी सबको देखते हैं, और लोग चश्मा लगा के देखते हैं और उनको चश्मे में और चीज में जो रंग दिख रहा है उस फर्क मालूम नहीं पड़ता है। आँख भी एक चश्मा है, नाक भी एक चश्मा है, जीभ भी एक चश्मा है, कान भी चश्मा है, त्वचा भी चश्मा, अंतःकरण भी एक चश्मा है, ये उपचक्षु है सबके सब। तो जिस रंग का चश्मा लग जाता है आँख पर उसी रंग की सृष्टि दिखाई पड़ती है,
परंतु भगवान बिना चश्मे के देखते हैं। साक्षी शब्द का संस्कृत में ऐसे ही अर्थ है, साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम, जो बिना किसी औजार के देखे उसका नाम है साक्षी। पाणिनीय व्याकरण में साक्षी शब्द बनता है साक्षात दृष्टरि। करणम भी नहीं वह, प्रमाणम भी नहीं वह, वो किसी प्रमाण से साक्षी को प्रमा नहीं होती है और किसी करण से आंख कान नाक को नहीं देखता है। देख नहीं, उसका स्वरूप है, अपने स्वरूप से ही वो सबका साक्षी है, उसको गवाही की जरूरत नहीं है और दस्तावेज की भी जरूरत नहीं। आज का जज जब किसी के बारे में निर्णय लेगा तो उसको कुछ गवाह चाहिए, आंख न देखा, कान न देखा, और कुछ दस्तावेज चाहिए, माने पोथियों में लिखा हुआ होना चाहिए। तो चश्मदीद चाहिए गवाह और हस्ताक्षरित चाहिए दस्तावेज, तब आज का जज किसी वस्तु के बारे में निश्चय कर सकता है। ये साक्षी जो है इसको न दूसरे गवाह की जरूरत है और न दूसरे दस्तावेज की जरूरत है, ये अपने आप देखता है, देखना इसका स्वभाव है। चींटी के पग में घुंघरू बाजे, बाहू को साई सुनता है। चींटी के पाँव में घुंघरू बज रहा हो तो साई उसको भी सुन रहा है, क्योंकि वो चक्षुषस् चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम्, मनसो मनः, वो आँख की आँख है, माने उसी की वजह से आँख देखती है, वही कान का कान है, वही मन का मन है, तो उसके सिवाय तो और कोई है ही नहीं। साक्षी सब जानता है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, भगवान ही प्रभु है। तो आपने देखा ही, अहम भी सर्व जज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च, भगवान ही प्रभु है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास। अच्छा भाई, ये तो सब बात हुई, जैसे दूर से देख रहा हो, दूर से मालिक हो, दूर जाना पड़े, दूर से भरण पोषण करे, इसमें जितनी बात बताई गई, गति माने वहाँ जाना है, भरण पोषण करता है, कहीं से भेज देता है सामग्री, प्रभु हो, जैसे राजा राजधानी में रहता है वैसे प्रभु है, साक्षी कहीं ऊंचे पर खड़ा होकर देख रहा है, तो ऐसा नहीं है। कैसा है का निवासा, निवसन्ति अस्मिन् इति निवासा, सब उसी में निवास करते हैं, जैसे वायु अग्नि जल पृथ्वी सब आकाश में निवास करते हैं, इसी प्रकार सब परमात्मा में निवास करते हैं। निवासः, हम रह कहाँ रहे हैं, अपने घर का पता नहीं, निवासः उसी में रहते हैं, हम जिस धरती पर पांव रख के चलते हैं या बैठते हैं वो भगवत रूप है, जिस जल को पी के हम जीवन धारण करते हैं वो प्रभु का स्वरूप है। वेदों में है भू रसी, भूमि रसी, दिति रसी, पृथ्वी के रूप में भगवान है। शरीरम आसीत आप प्रकृत एकदम, केवल जल ही जल के रूप में भगवान था, अग्नि के रूप में वही है, अग्ने नय सुपथार आये, वायु तुम्हें वो प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायु देवता तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक बूंद रक्त, एक एक उष्मा, एक एक श्वास और इनके रहने का स्थान सब परमात्मा का स्वरूप है। निवास शरणम, शरण कौन है, भगवान है। शरण माने आश्रय, आश्रय
शरण लेने योग्य भगवान ही है, क्योंकि शरण के जो गुण है वो भगवान में है। शरणार्थ श्रेय संभारे, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ भगवान रहता है। बुद्धौ शरण मन्वेच्छ, गीता में चार बार शरण शब्द का प्रयोग हुआ। एक तो है बुद्धौ शरण मन्वेच्छ, माने बुद्धिस्ट जो परमात्मा है उसकी शरण ग्रहण करो, तो वहां सीधा अर्थ न कहके जरा भगवान ने टेढ़े टेढ़े कहा है। टेढ़े टेढ़े क्या कहा कि अर्जुन के सारथी है भगवान, तो माम एकम शरणम व्रज, ये बात तो अंत में कही सबसे कि मेरी शरण में आओ, ये आखिरी बात है। पहली बात ये कही कि बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि का इतना आदर गीता के सिवाय, वैदिक धर्म के सिवाय और किसी मजहब में नहीं। जितने मजहब हैं, चाहे उसमें पादरी होए कि मौलवी होए कि दस्तूर होए कि ग्रंथी हो, तो उसमें कोई वीतराग तीर्थंकर होए कि संबुद्ध होए, वो कहते हैं जो मैं कहता हूं उसके अनुसार करो, मुझ पर श्रद्धा करो, बुद्ध ने जो बताया उस रास्ते पर चलो, उसमें मीन में एक मत लगाओ, महावीर ने बताया उसमें चलो, मौलवी जो कहता मोहम्मद ने जो बताया उसमें चलो, ईसा ने जो बताया उसमें। ये एक वैदिक धर्म है जो बुद्धि को महत्व देता है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, दर्शन शास्त्र केवल हमारे पास है, बुद्धि की शरण, पर वहां भी एक गूढ़ अभिप्राय है। अर्जुन ने उपनिषद पढ़ी, क्योंकि पहले जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता और वेद का अध्ययन करते थे, सांग वेद का अध्ययन करते थे, तो अर्जुन ने उपनिषद पढ़ी है और उसने कठोपनिषद भी पढ़ी है और उसमें आया बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। तो सीधे ये न कह करके कि तुम अपनी सपने सारथी की शरण में आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ, सीधे न कह के कह दिया बुद्धौ शरण मन्वेच्छ। वहां भी भगवान का गूढ़ अभिप्राय ये है कि बुद्धि ही जीवन रथ का सारथी है और मैं तुम्हारे जीवन रथ का सारथी बुद्धि हूँ, इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। बुद्धि अंतर्यामी, बुद्धि अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसकी शरण में आओ, कहना तो यही था। दूसरा प्रयोग ये है कि मैं शरण हूँ, यहाँ भी ये ना हम शरणम ये तो कह दिया, परंतु मेरी शरण में आओ ये बात यहाँ भी नहीं कही। तीसरी जगह शरण शब्द का प्रयोग है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तमेव शरणं गच्छ, सबके हृदय में परमेश्वर है तुम उसकी शरण में जाओ, वहां भी ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। पर जब वो बात भी अर्जुन को ऐसी लगी, ये पराये की बात कह रहे हैं भाई, पहले कोई आता है तो कहते हैं उस वकील के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, उसकी सलाह मानो, परंतु जब उसकी देखते हैं अनन्यता, उड़िया बाबा जी महाराज ऐसा कर सकते, कोई उनके पास आता तो उसको कहते कि तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारे गुरु होंगे, उनसे मंत्र ले लो, उस संप्रदाय में भर्ती हो जाओ। बहुत लोग जो अभी बाबा के भक्त हैं वो कोई वल्लभ संप्रदाय में, विष्णु स्वामी संप्रदाय में है, कोई राधा वल्लभी है, कोई निम्बार्की है, किसी को कह दिया उनके पास जाके दीक्षा ले आओ। मेरी शरण में आओ, मुझसे दीक्षा लो, मेरे शिष्य बनो, वे नहीं बोलते थे। आजकल तो महाराज मेरी तेरी के लिए लड़ाई होती है,
तो तुम मेरे चेले क्यों नहीं बने, दूसरे के चेले क्यों बने। एक माता हमारे वृंदावन की दूसरे आश्रम में ठहरती थी और कथा सुनने के लिए हमारे आश्रम में आती थी। वो उस आश्रम के महात्मा ने कहा कि तुम कथा सुनने वहां मत जाया करो, हमारी कथा सुनो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन कहा, नहीं मानी हो, नहीं मानी तो उसको बुलाया, उसके हाथ में जल दिया, अक्षत दिया, कुश दिया कि संकल्प करो कि आज से हम किसी दूसरे की कथा सुनने नहीं जाएंगे। तो उसने जल हाथ में लेके कहा कि मैं ये संकल्प करती हूँ कि अब आज के बाद मैं आपके आश्रम में कभी आऊंगी और मैं आपकी कथा सुनूंगी। तो देखो, जब खुली बुद्धि हो, उन्मुक्त बुद्धि हो, तो जहां से भी अच्छाई मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि उसमें ग्रहण करने का सामर्थ्य न हो और सबकी ये प्रति उसकी बुद्धि न जाए, जब देख लेते हैं कि अत्यंत अनन्य है, मेरे सिवाय इसका और किसी पर विश्वास नहीं है, सब कहते हैं अच्छा भाई तू मेरी बात मान, मेरी बात मान, एकम शरणम व्रज, तमेव शरणं गच्छ। जब कहा भगवान ने अर्जुन को, तो उसने अपना मुंह बिचका लिया, नीचे देखने लगे, कहिए मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, ये मुझे दूसरे के पास भेज रहे हैं, इनसे बड़ा वकील और कौन मिलेगा, इनसे बड़ा बड़ा निर्णेता और कौन मिलेगा। तब अंत में जब देखा, बोले अच्छा भाई सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किसी से उसका धर्म छुड़वाना ये बड़ी जिम्मेवारी की बात है कि तू वो पंथ छोड़ दे और मेरे पंथ में आ जा, और वो धर्म छोड़ दे मेरे आ जा, बड़ी भारी जिम्मेवारी है। तो जब देख लिया कि ये तो ईश्वर की शरणागति भी स्वीकार नहीं करना चाहता है, समय वो शरणं गच्छ सर्वभावे न भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम इति ते ज्ञानमाख्यातम गुज्यात गुज्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जब अर्जुन ने कृष्ण की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तब बोले अच्छा सुन, सर्व गुज्यतमं भूय शृणुमे परमं वच मन मना भव मद्भक्तो माम शरणं व्रज। जिम्मेवारी लेना, जिम्मेवारी उठाना, अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, अरे बाप, बोले इतनी गड़बड़ बात, किसी दूसरे से कहते तो लड़ जाता कृष्ण से कि तुम हमारा धर्म छुड़ा रहे हो। कहा बा, हम तुम्हारा धर्म छुड़ा रहे हैं, जब धर्म छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। तो बोले नहीं, धर्म तुम छोड़ो और पाप मैं छुड़ाऊंगा। बिल्कुल उल्टी बात है ना, अहम तो आ सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि मासुचर, दुनिया के और लोग कहेंगे कि तुम पाप छोड़कर मेरे पास आओ। अब कृष्ण कहते हैं तुम धर्म छोड़कर मेरे पास आओ, पाप मैं छुड़ाऊंगा, उसका रहस्य मैं जानता हूँ। एक महात्मा की कुटिया पर लिखा हुआ था, वो अपने को क्या लिखते थे, सुषुप्त, सुषुप्त मौनी उनका नाम था, सुषुप्त मौनी, कुटिया के दरवाजे पर लिखा हुआ था, सर्वा गीता मयाधीता, सारी गीता मैंने पढ़ी है, तत्र प्राप्तो विनिश्चयः, और सारी गीता पढ़ के मैंने ये निश्चय प्राप्त किया है, क्या, सर्वधर्म परित्यागी सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो सब धर्मों का परित्याग कर देता है वो सब पापों से छूट जाता है। ये पाप पुण्य का झगड़ा तो मजाबों में ही है, सर्वधर्म परित्यागी सर्व पापैः प्रमुच्यते। तो इस शरणम पर ये बात कह दी कि मेरी शरण में आओ, ये कहना बड़ी जिम्मेवारी का काम है। जो शिव से मिलेगा सो मुझसे मिलेगा, जो विष्णु से मिलेगा सो मुझसे मिलेगा, जो राम कृष्ण से मिलेगा सो मुझसे मिलेगा। मुझे सूरदास का है ना वो पद, श्री वल्लभ
नखचंद छटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो श्री बल्लभ में, श्री बल्लभ माने भगवान लक्ष्मीपति, श्रीपति राधापति, श्री वल्लभ और अपने गुरुदेव भी हैं उसमें। तो शरण कौन है कि भगवान, शरणम गृह रक्षत्र अमर कोश में आया है कि घर का नाम शरण है। दिन भर चाहे जहां घूमो, रात को अपने घर में लौट आओ। जैसे उड़ जहाज का पंछी उन जहाज पर आवे, जैसे जहाज का पंछी इधर उधर भटकता है और फिर आके जहाज पर ही बैठ जाता है, क्योंकि समुद्र में कहीं पार अवार तो मिलता ही नहीं है। जैसे उड़ जहाज का पंछी उन ही जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहां से चुकावे। ये बात उपनिषद में है। यथा सूत्रे न प्रबद्ध शकुनि दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा पुनः स्वबंधन में वो पाश्रय थे, प्राण में वो पाश्रय थे। जैसे सुरस्सी से बंधा हुआ चिड़िया पक्षी इधर उधर उड़ता है पर कहीं उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, तो फिर जहाँ बंधा हुआ है वहीं आके बैठ जाता है। इसी प्रकार ये जो जीव है ये परमेश्वर के साथ बंधा हुआ है, इधर उधर विषयों में भटकता है, लेकिन जब कहीं उसको रास्ता नहीं मिलता तब वो लौट करके फिर जहाँ बंधा हुआ है वहीं आकर के बैठ जाता है। जहाँ से उदय है वहीं विलय है। पत्नी पर्स लेके दिन भर बाजार में भले घूमे, लेकिन रात को अपने पति के पास अपने घर में उसको आकर सोना होता है। वो किसी के शोरूम में नहीं सो सकते। ये दुनिया तो शोरूम है, शरण तो भगवान ही है। दूसरा सरल शब्द का अर्थ है कोश में शरणं गृह रक्षत्र, जो अपना रक्षक है, जिससे अपने को सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका नाम है शरण। मैंने एक महात्मा से एक बार कहा था, वही घास वाली चर्चा जिनकी की थी वही महात्मा। मैंने कहा कि महाराज हमको भगवान की शरण में कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम सोच विचार के आओ कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है। उन्हीं की सांस में हम सांस लेते हैं। देखो ये वायु जो है वो भगवान का श्वास है, उनकी सांस में। जैसे बच्चा गोद में बैठा हो और माँ लटक के उसको देख रही हो, तो माँ की सांस में वो सांस ले, ऐसे हम भगवान की गोद में बैठकर भगवान की सांस में ही सांस ले रहे हैं। ये चंद्रमा और सूर्य भगवान की आंख है, उनकी आंख की रोशनी में ही हम देख रहे हैं, कहाँ भगवान से अलग है। जाओ तुम विचार करके आओ, जो चीज भगवान की शरण में न हो उसको हम भगवान की शरण में कर देते हैं। मैं सोच के विचार के थक गया, पृथ्वी भगवान की शरण में, जल शरण में, अग्नि शरण में, वायु शरण में, आकाश शरण में, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की शरण में, वैश्वानर हिरण्यगर्भ प्राज्ञ ईश्वर प्रभु की शरण में। उन्होंने बताया कि देखो मैं शरण में नहीं हूँ, ये एक भूल है। इसी के कारण ये जीव अपने सिर पर बोझ लिए लिए चलता है। एक मारवाड़ी सेठ था, वो कहीं ऊंट पर चढ़ के यात्रा कर रहा था। उसके पास थी कोई पोटली, उसके मन में दया आई कि ऊंट पर मैं भी बैठा हूँ और पोटली भी रहेगी तो दोहरा बोझ पड़ेगा ऊंट के सिर पर।
तो खुद तो बैठा रहा ऊंट पर और वो पोटली उठा के अपने सिर पर रख दी। ये बात तो अपने लायक मालूम पड़ती है, लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर हम हैं वो हमारे सिर पे जो बोझ है वो भी उसी के ऊपर है। वही शरण है, वही आश्रय है। शरण कौन होता है, उसके अंदर दो गुण होना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने इनका वर्णन किया है। शरण में सुगमता पैदा करना, शरण में आश्रयण सौकर्ज्या पादकत्व, ये रामानुजाचार्य का शब्द है। हमारा सहारा लेने में सुगम बना दे, माने हम जैसे कुएं में गिरे हैं और हमने दोनों हाथ उठाया कि हमको बाहर निकालो, अब हमारा हाथ तो ऊपर तक पहुंचता नहीं, ऊपर से कोई आया और लटक गया हो कुएं में और अब दोनों हाथ से सहारा दिया और हम ऊपर निकल गए। तो आश्रय लेने में जो सुगम था, तो भाई एक मरीज था वो चाहता था कि हम स्वामी जी से मिल आवे, अब वो तो चल के आ नहीं सकता था, तो स्वामी जी ने कहा चलो वो नहीं आ सकता है तो क्या हम ही उसके पास हो आते हैं। तो आश्रय लेने में सुगमता कर दी और स्वयं उसके पास चले गए। ये गुण शरण में होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए, आश्रित कार्य निर्वाहक, जो शरण में आवे उसका काम बना देना। ये दोनों गुण भगवान में है, इसलिए उनका नाम शरण है। शरणागत के दोष गुण नहीं देखे जाते, नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणास्ति। जो अपने आश्रय में अपने भरोसे पर आ जाता है वो चाहे खरा हो चाहे खोटा हो, उसके गुण दोष का विचार नहीं किया जाता। खरा है तो हमारा है, खोटा है तो हमारा है, काला बेटा है तो हमारा है, गोरा है तो हमारा है, बेटा तो हमारा है, वो चाहे जाए कैसा भी क्यों न हो। तो शरणागत का खरा खोटा नहीं देखा जाता। कोट विप्र बद लागई जाहू, आए शरण सजाऊ नहीं साहू। ये शरणागति। तो ऐसा शरण कौन है, भगवान कहते अहमेव शरणम, मैं हूँ ऐसा। तुम अपनी ओर मत देखो, दुनिया अच्छी है कि बुरी है ये मत देखो, तुम अच्छे हो कि बुरे हो ये मत देखो, मेरी ओर देखो कि न मुझे अच्छे की पहचान है न बुरे की। जो मेरी शरण में आया उसको दोनों हाथ से उठा के अपने हृदय से लगा लिया, ये है शरणम। अहम शरणम गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम। सुहृत हमारे सुहृत है। वैसे ब्रज में तीन तरह के सखा माने जाते हैं, चार तरह। एक तो सुहृद होता है जो बड़ा होता है, जैसे बलराम है श्री कृष्ण के सुहृद है। वो कहते हैं धूप में मत घूम, पानी में मत जा, पेड़ पर मत चढ़। प्रेम करते हैं कृष्ण से लेकिन फटकारते ही रहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को कहती रहे ऐसे मत कर ऐसे मत कर ऐसे मत कर, इसको सुहृद बोलते हैं। और जो बराबरी का हो उसको सखा बोलते हैं। और जो महाराज स्त्री पुरुष की चर्चा में भी सम्मिलित हो सके उसको प्रिय सखा बोलते हैं। और जो हंसी मजाक के समय भी रहे तो उसको प्रिय नर्म सखा बोलते हैं। भगवान ने गीता में अपने को सुहृद बताया है। किसके सुहृद हो तुम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। जान लो कि मैं सबका सुहृद हूँ, मेरा हृदय सबके प्रति सु रहता है, किसी के प्रति मैं कुहृद नहीं होता, किसी का अनभल नहीं चाहता, सबका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं सुहृद हूँ। सुहृद अहम सुहृद, सुहृद कौन होता है, जिसका हृदय कभी कड़वा ना हो, हमेशा मीठा हृदय सुहृद। तो ज्ञात्वा आओ भगवान को सुहृद बनावे अपना,
कब बनाओगे क्या, वो तो पहले से है ही है। सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा, ज्ञात्वाकार से जानो, जान लो कि वे तुम्हारे सुहृद हैं, पहचान लो इनको। सुहृद तो भगवान पहले से हैं, पर तुम जानते नहीं। तो जानते हो, वो औरत हमारा भला करेगी, वो मर्द हमारा भला करेगा, और वो सिपाही हमारा भला करेगा, नहीं कोई और भला करने वाला नहीं है। सब मौके पर छोड़ के चले जाने वाले हैं। एक जो परमात्मा अंतर्यामी अपने हृदय में जो विराजमान है, वही सबका सुहृद है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। एक राजा था, और एक बार किसी विद्यालय में गया, उसके बेटा नहीं था। वो देखने लगा कि विद्यालय में इतने बालक हैं, कौन सबसे योग्य है। तो एक बालक उसको बहुत योग्य दिखा, जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया, सब तरह से योग्य था। उसने वहां के प्रधानाचार्य को बुलाया अपने पास और कहा कि वो जो लड़का है ना, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा स्वच्छ, बड़ा सुंदर, उसका तुम ध्यान रखना, कौन है वो। वो तो बहुत गरीब है महाराज, उसके पास खाने पीने को नहीं है, फीस नहीं है, कपड़ा नहीं है, मैं ही सब उसकी व्यवस्था करता हूँ। अच्छा, तो तुम हमारी ओर से करो, उसका भोजन, वस्त्र, उसका खान पान, उसकी फीस, उसकी किताब, उसके रहने की जगह, बिल्कुल ठीक ठीक कर दो, सब खर्चा मैं दूंगा, लेकिन उसको बताना मत। बताया नहीं, प्रधानाचार्य सारी व्यवस्था उसकी कर दी। जब वो पढ़ लिख के निकला, बीए में हो गया, आचार्य परीक्षा पास हो गया, राजा तो खबर रखता था कैसा है कैसा है कैसा है, और सिपाही भेज दिया कि जाओ उसको बुला ला। अब वो तो डर गया बेचारा, बुलाया उसको, तो बुलाने के बाद कहा हमारे बराबर के आसन पर बैठा हो। उसने हाथ जोड़ लिया, अन्नदाता घनी क्षमा, आपके बराबर मैं कैसे बैठ सकता हूँ। अरे भाई सुनो, जिस दिन मैं तुम्हारे विद्यालय में गया था, तुम बहुत छोटे थे, तो मन ही मन मैंने तुमको अपना बेटा मान लिया था, और तुम्हारे अन्न का, वस्त्र का, पढ़ाई का, पुस्तक का, रहने का, सहने का, मैं ही तुम्हारे प्रधानाचार्य के द्वारा व्यवस्था करता था। अब तुम पढ़ लिख चुके, हमारे राज्य के उत्तराधिकारी तुम ही हो। उसकी आंखों से तो झरझर आंसू गिरने लगे। कब मैं आपको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, आपसे डरता था, आपने तो पहले ही दिन हमको अपना पुत्र मान लिया था, लेकिन मैंने आपको अपना पिता नहीं माना। तो क्यों नहीं माना, का ज्ञान था। तो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते, जो जान लेता है कि हमारे सुहृद परमेश्वर हैं, हमारी देखभाल वही करते हैं। पेट में तुम्हारे शरीर के साथ माँ के पेट की नली किसने जोड़ी थी मालूम है, उस डॉक्टर का नाम मालूम है तुमको, माँ का खाया पिया जो है उसका रस सार सार उसका तुम्हारे शरीर में कौन भेजता था मालूम है, वहाँ रक्त कौन बनाता था, वहाँ दिमाग दिल किसने बनाया मालूम है, नहीं उसी को भूल गए वो, वही है सुहृद। अहम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम प्रभवति अस्मात् इति प्रभव। प्रभव कौन है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान सबका प्रभव है, प्रभवति अस्मात्, उसी में से सब निकलता है। ये मनुष्य के शरीर में बीज कहाँ से आता है, बीज कहाँ से आता है, नारायण बोलते हैं। नरावच्छिन्नम चैतन्यम, नरः नरावच्छिन्नम चैतन्यम तेन कृताः नारः आपः जल। वो मनुष्य के पेट में जो वो पानी पैदा होता है, रक्त में से जो वो मंथन करके मक्खन निकलता है, रक्त का जो सार, कोई थैली नहीं है,
वीर की कोई थैली शरीर में नहीं होती है, वो समग्र रक्त में व्याप्त रहता है, मंथन होने के बाद मक्खन की तरह निकलता है और उसमें चैतन्य आरूढ़ रहता है और वही माँ के पेट में आके शरीर को विकसित करता है। इसलिए नारा आपह कारणवारी, जो प्राणियों के कारण के रूप में स्थित जो वीर्य रूप पानी की बूंद है, उस बूंद में जिसका निवास स्थान है उसका नाम है नारायण। उसी से सब की उत्पत्ति होती है। और प्रलय प्रलियते अस्मिन इति प्रलय, जिसमें सब जा करके लीन हो जाते हैं उसका नाम प्रलय है। स्थानम तिष्ठति अस्मिन, जिसमें सब रहते हैं उसका नाम स्थान है, अधिष्ठान है। उत्पत्ति का कारण वही है और प्रलीन हो करके उसी में जाते हैं और वही तिष्ठति अस्मिन, उसी में सब के सब रहते हैं। निधानम, अपने कर्मों का समर्पण करना हो तो उसी में करो, जो चाहो सो उसमें रख दो, सुरक्षित रहेगा वो, जब चाहेगा जब तुम्हें देगा वो। और अव्ययम बीजम, इस विश्व सृष्टि का जो अव्यय बीज है जिससे अनादिकाल से लेकर के प्रवाह रूप में नित्य ये सृष्टि चलती रहती है, वो परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सर्व रूप में वही अहम गति ही, अहम भर्ता, अहम प्रभु, अहम साक्षी, अहम निवास, अहम शरणम, अहम सुरेत, अहम प्रभव, अहम प्रलय, अहम स्थानम, अहम निधानम, अहम अव्ययम बीजम। अविनाशी बीज न व्येति, जो कभी विपरीत भाव को प्राप्त नहीं होता वो मैं हूँ। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि जो एक रूप में या अनेक रूप में उपासना करते हैं उनके चिंतन की धारा कैसी होती है। बहुत रूप में भी परमेश्वर है और बहुतों में एक रूप में भी परमेश्वर है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाम अर्जुन। बस देखो ये बात दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। कौन सी? सदसच्चाम अर्जुन। अरे वो कहते हैं कि मैं चोरों को दंड देने वाला साहूकार मैं हूँ, लेकिन चोरी करने वाला चोर भी मैं सत असत चाहम अर्जुन, मैं ही सत हूँ और मैं ही असत हूँ। है किसी का भगवान जिसकी हिम्मत हो कि गोपी के घर में घुस के चोरी कर ले आवे मक्खन की? दुनिया का ईश्वर बता दो हमको। हम सारे मजहबों को चुनौती देते हैं कि चोर के रूप में किसी का भगवान मिलेगा? नहीं है वो। अच्छा, गोपियों से छेड़छाड़ करने वाला भगवान मिलेगा क्या? रण छोड़ राय कहीं मिलेंगे है? हाँ, जो युद्ध भूमि में से भाग जाए सीधे बहादुरी के साथ भागते हैं, ऐसा भगवान कहीं मिलेगा? और माटी तो खाता जाए और कहे मैंने नहीं खाई है, ऐसा भगवान कहीं मिलेगा? सदसत चाह हमारे गुना, वही सत है वही असत है। तो नारायण अमृतं चैव मृत्युश्च। अच्छा, किसी मजहब के भगवान ने अपने को मौत कहा है कि नहीं मृत्यु हूँ? ये है, इसका ये मजहब नहीं है, ये गीता कोई मजहब नहीं है, एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। अब ये बात आपको कल सुनाऊंगा।